और जानेंगे कौन सा तरीका सही रहेगा वृंदावन टूर करने के लिए। वृंदावन अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था है, वृंदावन में सबसे सही जगह कौन सी रहेगी आपके लिए रुकने के लिए, कहाँ पे रुकने के बाद आप पूरा वृंदावन बहुत आसानी से घूम सकते हैं, वृंदावन में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वृंदावन में कौन कौन सी जगह आपको विजिट करनी चाहिए, वृंदावन घूमने का सबसे सही तरीका क्या रहेगा, मतलब कहाँ से आपको वृंदावन घूमने की शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ पे अंत करना चाहिए, कौन सा सही समय रहेगा वृंदावन की यात्रा पर जाने के लिए, और आखिर में जानेंगे कितना खर्च आता है वृंदावन की यात्रा पे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको वृंदावन के सभी मुख्य मंदिरों के दर्शन करने को भी मिलने वाले हैं। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको वृंदावन कैसे पहुंचना होगा। वृंदावन पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होता है मथुरा। मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 12 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है। मथुरा रेल मार्ग और परिवहन मार्ग से दोनों से ही देश के सभी मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है, तो आप बाई ट्रेन या बाई बस सीधे मथुरा पहुंच सकते। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो सबसे पहले मथुरा पहुंचिए। मथुरा पहुंचने के बाद मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाता है, जो 20-25 रुपए लेते हैं और आपको वृंदावन तक छोड़ देते हैं। इसके अलावा मथुरा रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर निकलते हैं तो वहां पे बस भी मिल जाती है वृंदावन के लिए, जो आपसे मात्र 16 रुपए लेती है और आपको वृंदावन तक छोड़ देती है, तो आप बाई बस भी वृंदावन तक जा सकते हैं। पर अगर आप बाई फ्लाइट वृंदावन आना चाहते हैं तो वृंदावन का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा में। आगरा से वृंदावन की दूरी लगभग 65 किलोमीटर के आसपास की है और आगरा से मथुरा की दूरी लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है, तो आप बाय फ्लाइट आगरा आ जाइए और आगरा से आप टैक्सी करके सीधे वृंदावन या फिर शेयरिंग टैक्सी करके मथुरा तक जा सकते हैं, और मथुरा से फिर 20 रुपए देके ई रिक्शा या बस से भी आप वृंदावन तक जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी कार लेके आना चाहते हैं वृंदावन, आप अपनी बाइक लेके आना चाहते हैं तो आप अपनी कार या बाइक लेके भी वृंदावन तक आ सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली से बहुत सारी बसें भी सीधे मथुरा और वृंदावन के लिए चलती हैं, तो आप बाय बस भी मथुरा वृंदावन तक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी आप वृंदावन कैसे आ सकते हैं। बात कर लेते हैं वृंदावन में आपके लिए रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ पर रहेगी और आपको वृंदावन में रूम के लिए कितना खर्च आने वाला है। अगर आप वृंदावन की यात्रा एक दिन के लिए प्लान कर रहे हैं, सिर्फ आप एक नाइट का स्टे वृंदावन में करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको बहुत सारे आश्रम भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप रुकते हैं तो आपको पूरा वृंदावन घूमने में बहुत ज्यादा ही आसानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ बांके बिहारी मंदिर के पास में ही जितने मेन मेन मंदिर बने हुए 2-3 किलोमीटर की रेंज में, जो कि आप पैदल यात्रा करके ही पूरे दर्शन कर सकते हैं। अगर रेट की बात करूं तो अगर आप यहां पे आश्रम में रूम लेने जाते हैं तो 400 रुपए से लेके 800 रुपए में आपको आश्रम में रूम मिल जाता है। अगर आप होटल में रूम लेते हैं तो 800 रुपए से लेके 1200 रुपए में आपको होटल में रूम मिल जाता है। अगर आप गेस्ट हाउस में रूम लेते हैं तो 500 रुपए से लेके 700 रुपए के बीच में आपको गेस्ट हाउस में भी रूम मिल जाता है, तो आप अपने बजट अनुसार बांके बिहारी मंदिर के आसपास नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो प्रेम मंदिर के पास में भी रूम ले सकते हैं, यहां पे भी आपको बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे और कुछ आश्रम भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो होटल का चार्ज होने वाला है वो थोड़ा सा महंगा भी हो जाएगा, और प्रेम मंदिर के पास अगर आप रूम लेते हैं तो आपको वृंदावन घूमने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपको वृंदावन कैसे आना है। बात कर लेते हैं वृंदावन पहुंचने के बाद आपको कौन कौन से मंदिर में जाके विजिट करनी है और कौन कौन से मंदिर में जाके आपको दर्शन करने हैं। तो दोस्तों अगर आप सुबह सुबह वृंदावन पहुंचते हैं तो वृंदावन में सुबह सुबह पहुंचने के बाद 7 बजे जितने भी मंदिर हैं लगभग वो सभी ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले आपको जाना है रंग महल मंदिर। रंग महल मंदिर जिसे कि सोने के खंभे के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर एक सोने का खंभा लगा हुआ है जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं, और यहीं पे एक शीश महल भी बना हुआ है जिसकी एंट्री फीस मात्र 10 रुपए, तो आप 10 रुपए का टिकट लेकर शीश महल भी विजिट कर सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यह एक प्राचीन मंदिर है। इसी मंदिर के पास में बना हुआ है गोविंद जी टेम्पल, जिसे की भूतों वाला मंदिर भी कहा जाता है, तो आप भूतों वाला मंदिर मतलब गोविंद जी मंदिर जाके भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है बांके बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है। मंदिर के आसपास कार बाइक बिल्कुल नहीं जा सकती, मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही सारी कार बाइक्स के लिए पार्किंग बनी हुई। अगर आप बाइक या कार से जाते हैं तो आपको गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी कर देनी है, इसके बाद पैदल ही आपको बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। बांके बिहारी मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, इसीलिए मैं दोस्तों कह रहा था कि अगर आप बांके बिहारी मंदिर के आसपास रूम ले लेते हैं तो आपको जितनी भी सारी जगह मैं बता रहा हूँ इनको घूमने के लिए आपको किसी भी टैक्सी या फिर ऑटो रिक्शा करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सारे मंदिर 2 किलोमीटर की रेंज में ही बने हुए हैं, जिनमें आप पैदल यात्रा करके सारे मंदिरों के दर्शन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, और वृंदावन की छोटी छोटी गलियों से होते हुए मंदिर के दर्शन करने में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको जाना है राधा वल्लभ मंदिर, जो कि बांके बिहारी मंदिर के पास में ही बना हुआ है, यहाँ जाके भी आपको दर्शन कर लेने। इसके बाद आपको पैदल इन्हीं कुंज गलियों से होते हुए निकुंज वन जाना है, जिसे की सेवा कुंज के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ जाकर भी आपको दर्शन कर लेने हैं। और यहाँ दर्शन करने के बाद आपको आ जाना है निधि वन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ हर
रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास लीला करते हैं। जिन लोगों ने भी रास लीला देखनी चाहे रात को, या तो वो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। यही कारण है कि निधि वन सुबह खुलने के बाद शाम के आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता है। आपको निधि वन घूम लेना है। निधि वन में 3 से 4 मंदिर बने हुए जिसमें जाकर आपको दर्शन कर लेने हैं। दर्शन करने के बाद आपको वापस आ जाना है। निधि वन से वापस आने के बाद वही निधि वन के पास में बना हुआ मदन मोहन कृष्ण मंदिर, जो कि वृंदावन का बहुत पुराना मंदिर है। कहते हैं इसे 1580 में मुल्तान के रामदास ने यमुना किनारे बनवाया था, जो कि 60 फुट ऊंचा है। तो आप इस मंदिर में जाके भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद विजिट करने के बाद आपको आ जाना है अपने रूम पे। यही मदन मोहन मंदिर के पास में ऑटो स्टैंड बना हुआ है। आपने जहाँ पे भी रूम लिया हो यहीं से ऑटो करके आप अपने रूम तक आ सकते हैं। अगर बात करूं मैं इन सभी जगह में दर्शन करने में आपको कितना समय लगने वाला है, तो अगर आप पैदल सभी मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है, तो 2.5 से 3 घंटे में बहुत आसानी से आप इन सभी जगहों में जाके विजिट कर सकते हैं। और रास्ते में बहुत सारे मंदिर इसके अलावा पड़ते हैं छोटे मोटे, तो आप उन मंदिरों में रुक के भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद आपको अपने रूम पे आ जाना है और दोपहर में रेस्ट कर लेना है। दोपहर में रेस्ट करने की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं वो 12 से 1 बजे के आसपास बंद कर दिए जाते हैं सभी मंदिर, और शाम को 4 बजे के बाद ही सारे मंदिर ओपन किए जाते हैं। तो दोपहर के 4 घंटे आपको आराम कर लेना है। तो दोस्तों दोपहर में रेस्ट करने के बाद आपको सबसे पहले शाम के समय जाना है वैष्णो देवी मंदिर। अगर आप बांके बिहारी मंदिर के आसपास रुके हैं तो यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 8.5 किलोमीटर के आसपास की है। तो आप सबसे पहले चले जाइए वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने के लिए। वैष्णो देवी मंदिर के सामने पार्किंग भी बनी हुई है। अगर आप कार लेके जाते हैं तो यहाँ पे आप अपनी कार भी पार्क कर सकते हैं, और अगर आप अपनी कार से नहीं है बांके बिहारी मंदिर के आसपास में रुके हैं तो यहाँ से ई रिक्शा भी जाता है, जो कि 30 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लेता है और आपको वैष्णो देवी मंदिर के सामने ड्रॉप कर देता है। तो आप ई रिक्शे से भी वैष्णो देवी मंदिर तक जा सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको वापस आ जाना है और जाना है इस्कॉन टेम्पल, जिसे कि अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अंग्रेज भी देखने को मिलेंगे। इस्कॉन मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को समर्पित है। यही कारण है कि इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह वृंदावन के सभी मंदिरों में सबसे भव्य है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए बहुत से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वैष्णो देवी मंदिर से इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए आपको वैष्णो देवी मंदिर के बाहर से ही ऑटो मिल जाते हैं, जो 20-20 रुपए लेते हैं और आपको इस्कॉन मंदिर के सामने ड्रॉप कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर में विजिट करने के बाद आपको जाना होगा प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर इस्कॉन मंदिर के पास में ही बना हुआ है, जहां से आप पैदल 5 मिनट पदयात्रा करके ही प्रेम मंदिर तक जा सकते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। वैसे तो प्रेम मंदिर दिन में भी आप जा सकते हैं। दोपहर के समय 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रेम मंदिर बंद रहता है, लेकिन शाम का जो नजारा होता है प्रेम मंदिर का बहुत ही खूबसूरत होता है। रंग बिरंगी लाइटिंग से प्रकाशमान होता है मंदिर, बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, और यहाँ पे हर पल रंग बदलती हुई आपको आकृतियां भी अचंभित कर देती हैं। प्रेम मंदिर राधा कृष्ण सीताराम को समर्पित है। यहाँ मंदिर इटली से आए हुए संगमरमर से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 125 फुट, लंबाई 122 फुट और चौड़ाई 15 फुट की है। प्रेम मंदिर में रात के समय एक फाउंटेन शो भी होता है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत से भक्त सिर्फ शाम को इस मंदिर में फाउंटेन शो एंजॉय करने जाते हैं। प्रेम मंदिर के बाहर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर खाने पीने के बहुत से होटल रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, मतलब यहाँ पर आपको लगभग सभी ऑप्शन खाने के लिए मिल जाते हैं। प्रेम मंदिर के बाहर यहाँ पर अगर आप 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में खाना खाना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपको बजट अनुसार होटल भी मिल जाएगा। अगर आप 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में खाना खाना चाहते हैं तो इस बजट के अनुसार भी आपको प्रेम मंदिर के बाहर होटल और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। तो आप बजट अनुसार यहाँ पे भरपेट खाना भी खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पूरे वृंदावन में आपको हर जगह लस्सी जरूर देखने को मिलेगी। तो अगर आप वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन की लस्सी का स्वाद जरूर आपको चखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये तो बात हो गई, अगर आप सुबह सुबह वृंदावन पहुंचते हैं तो आपको वृंदावन इस तरीके से घूमना है। अब बात कर लेते हैं अगर आप दोपहर के समय वृंदावन पहुंचते हैं तो आपको वृंदावन कैसे घूमना है। तो अगर दोपहर के समय आप 12 से 4 के बीच में पहुंचते हैं तो आपको 12 से 4 के बीच में तो रेस्ट करना है, और शाम के समय आपको पहले प्रेम मंदिर की तरफ ही जाना है। वैष्णो देवी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, ये सारी चीजें विजिट करनी है, और शाम को वापस आके अपने रूम पे नाइट स्टे कर लेना है। दूसरे दिन आपको सुबह उठ के मॉर्निंग के समय में 8 बजे के बाद आपको बांके बिहारी मंदिर और उसके आसपास के जितने भी मंदिर हैं वो आपको विजिट कर लेने हैं। तो आप इस हिसाब से भी अपना टूर प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मथुरा वृंदावन का एक साथ टूर प्लान कर रहे हैं आप सुबह सुबह, तो मथुरा आ जाइए। मथुरा आने के बाद आप 12 से 1 बजे तक पूरा मथुरा विजिट कर लीजिए। मथुरा में आपको 2 से 3 टेम्पल विजिट करने पड़ते हैं और फिर 3 बजे तक आप वृंदावन आ जाइए। फिर वृंदावन आप 3 बजे के बाद आके प्रेम मंदिर की तरफ घूमने चले जाइए। दूसरे दिन आप सुबह सुबह बांके बिहारी मंदिर के आसपास विजिट कर लीजिए जितने भी मंदिर हैं, फिर आप वापस आ सकते हैं। तो एक नाइट स्टे बना के आप वृंदावन भी आप कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें एक नाइट स्टे बना के तो पूरा मथुरा वृंदावन भी आप एक साथ विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको वृंदावन की ट्रिप प्लान कब करनी चाहिए। तो अगस्त से लेकर मार्च के बीच में कभी
वृंदावन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस समय आपको वृंदावन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप मार्च के बाद अपनी वृंदावन की ट्रिप प्लान करते हैं, मई जून में अपनी वृंदावन की ट्रिप प्लान करते हैं, तो इस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं वृंदावन घूमने में कितना खर्च आने वाला है। अगर आप मथुरा बाई ट्रेन पहुंचते हैं तो मथुरा पहुंचने के बाद आप बाई ई रिक्शा वृंदावन जाते हैं। ई रिक्शे से ही आप पूरा वृंदावन कवर कर लेते हैं शेयरिंग टैक्सी से, तो 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए में आप बहुत आसानी से पूरा वृंदावन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था वृंदावन घूमने का संपूर्ण यात्रा वर्णन, आप किस तरीके से पूरा वृंदावन बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है वृंदावन यात्रा से जुड़ा हुआ तो आप सवाल कर सकते हैं, इसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम